हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप फिर से इस थंब इमेज से समझ गए होंगे और आज के अखबारों में, सभी अखबारों में, और कल रात को अगर मैं बात करूं 30 जनवरी की रात को या शाम के समय, आपके लोकसभा आयोग ने जो है एक तरीके के नोटिस कह सकते हो या एक तरीके की इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन रिलीज़ की थी कि वो क्या क्या जो है बदलाव 1 फरवरी से अपने यहाँ करने जा रहे हैं, किसको लेकर पेपर की जो सिक्योरिटी है उसको लेके क्या क्या बदलाव करने जा रहे हैं। साथ ही साथ आज के अखबारों में ये रहा है कि 33 विषय विशेषज्ञों को हटाया गया और उनकी जगह 266 नए विषय जो विशेषज्ञ हैं जोड़े आयोग ने देश भर के विभिन्न संस्थानों से। तो आप ये समझिए कि देश भर के विभिन्न संस्थानों में वो आपका राजस्थान के भी एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, एमपी के भी, महाराष्ट्र के भी, कर्नाटका के भी और केरला के भी। यानी कि अब ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं ये अब आपका पेपर क्या करेंगे, बनाएंगे। तो अगर हम देखें कि जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे कि सबसे पहले एग्ज़ाम जो है आपका पटवारी का जो है वो पढ़ने वाला है, लेकिन पटवारी ग्रुप सी के अंडर में आता है, और उसके बाद फिर जो आपकी जुडिशरी सर्विसेज हैं उनके पेपर पड़ेंगे, उसके बाद फिर जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं 18 जून के लिए आपका आरओ और एआरओ, फिर उसके बाद जुलाई में आपका लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस। तो देखो, इस अखबार इस न्यूज़ से भी थोड़ा सा एक क्लू समझने की कोशिश करना चाहिए हम लोग को कि आने वाले एग्ज़ाम में जो ये 266 आपके जो क्या है एग्ज़ाम एक्सपर्ट्स हैं, इनका जो पेपर मेकिंग का तरीका होगा वो जो पहले के पैटर्न रहे होंगे यूके पीसीएस के पेपर के तरीके, उनसे तो बिल्कुल अलग ही होने वाला है। यानी कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो यूके पीसीएस के पहले के पेपर हैं आप उसको पढ़ें नहीं, उसको एक बार रिव्यू ना करें, पढ़ें उसको ज़रूर एक बार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो न्यूज़ है और अभी जो पूरी घटनाक्रम पिछले 4-5 महीनों में लोक सेवा आयोग के साथ हुए हैं, मुझे लगता है कि आने वाले जो पेपर्स हैं वो उनका जो लेवल है वो पुराने पेपर के जितना लेवल तो हो सकता है कि 25% क्वेश्चन उतने रहें, 30% उतने क्वेश्चन रहें, लेकिन बाकी के 70-80% जो क्वेश्चन होंगे बच्चों, मुझे लगता है कि उनका जो पैटर्न होगा वो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका होगा। ये आपको दिमाग में बात रखनी है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये जो 266 जो आपके स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ लिए गए हैं, तो अब आपको इसको समझना है कि भाई अगर ये लिए गए हैं तो क्या पैटर्न हो सकता है एग्ज़ाम का आने वाले टाइम पर। तो बहुत अच्छा तरीका है समझने के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर जो हैं, जैसे कि आपके, एक तो आप हिमाचल प्रदेश का देख लीजिए, आपको उनकी वेबसाइट में मिल जाएगा। दूसरा जो है राजस्थान का जो पेपर है, पिछले 2-3 सालों का पेपर है, वो एक पैटर्न आप लोग देख लीजिए, आपको नेट पर मिल जाएगा। यूपी का एक पैटर्न को फॉलो कर लो, ठीक है, और एक एमपी के जो पैटर्न है उनको फॉलोअप कर लो। और अगर आपको किसके पैटर्न फॉलो पेपर मिल जाए, कर्नाटका के जो पेपर के पैटर्न है वो आपको मिल जाए, और आपको तमिलनाडु या केरला में किसी एक का भी मिल जाए, तो आपको एक एक क्या एक जिस्ट मिल जाएगा कि भाई क्या वो पैटर्न में चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि पुराना ही पैटर्न क्या हो, अप्लाई हो, मतलब एग्जामिनेशन में जो पिछले 2021 में जो पेपर आपके हुए थे लोअर अपर FRO के पेपर, वही पैटर्न को ये लोग अडॉप्ट करें, कोई क्वेश्चन का फॉर्मेट ज़्यादा चेंज ना करें, उसकी टफनेस चेंज ना करें, इनका अंदर जो भी क्राइटेरिया होगा वो पता होगा इनको, ये लोग कभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, गोपन अति गोपन विभाग के कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रक्शंस होंगे एग्जामिनर्स को कि भाई इससे ज़्यादा टफ पेपर आप मत बनाइएगा। अगर ऐसा होता तो भाई UPSC के पैटर्न के बेसिस पर मैं आप लोग को रिकमेंड करता, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि उत्तराखंड के आसपास के जितने आपके स्टेट्स हैं, हिमाचल हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार तक भी देख लेना, इन सब के पेपर्स के एक बार पैटर्न को फॉलोअप कर लो। और ख़ासतौर पिछले 2-3 साल में 2020 से, ठीक है, 2020 से लेकर अभी तक के जितने आपके पेपर इनके प्रीलिम्स के हुए हैं, अगर हो पाए हैं कोविड के दौरान, तो इनके एक पेपर को, पैटर्न को फॉलोअप कर लो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अब आपको ये ध्यान रखनी है कि हर एक सब्जेक्ट को बेस से शुरू करते हुए अब आपको एडवांस लेवल तक जाना पड़ेगा, ठीक है, बेस से लेकर एडवांस लेवल तक जाना पड़ेगा। और पहले फॉर एग्जांपल, जैसे अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आपका, हम हिस्ट्री की बात करते हैं, एंशियंट इंडिया की बात करते हैं, और एंशियंट इंडिया में हम बात करते हैं किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं
उनके लिए अब आपको मेरे हिसाब से एक जो सोर्स है उस पर डिपेंड मत रहना। जैसे फॉर एग्जांपल मैक्सिमम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो अभी मैं बोलूँ पीसीएस की बात करूँ, तो कई लोग जो आपकी मार्केट में इस समय लूसेंट की बुक है उससे इंडस वैली पढ़ लिया, बोलते हैं सफिशेंट है, ठीक है। या आपकी घटनासार की तो नहीं आई है, लेकिन परीक्षा मंथन, ठीक है, परीक्षा मंथन जो पब्लिकेशन है उसकी भी प्राचीन भारत की किताब है, उससे पढ़ लिया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, आप अपने सोर्सेस को बढ़ाएं, ठीक। जैसे कि लूसेंट है तो उससे आपने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद जब इंडस के सारे नोट्स लूसेंट से बना लिए, तब आप किस में आ गए, परीक्षा वाणी में, सॉरी परीक्षा मंथन में आ गए। इससे भी वो पॉइंट्स जो लूसेंट में नहीं थे उनको आपने कल्प कर लिया। फिर सेकेंड सोर्स आप क्या ले सकते हैं, आपका पीडी प्रतियोगिता दर्पण की जो है एंशेंट हिस्ट्री की, प्राचीन भारत की अलग से किताब आती है, वहां से आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तीसरा सोर्स आप क्या ले सकते हैं, जो आपके क्रॉनिकल है उसकी भी एक आपकी हिस्ट्री स्पेशल की किताब आती है, ठीक है, क्रॉनिकल है उसकी हिस्ट्री स्पेशल की आपकी किताब आती है, वहां से ले लिया। फिर उससे एक और सोर्स आप क्या ले सकते हैं, रुक्मणी पब्लिकेशन है, ये बिहार का पब्लिकेशन है, वहां से आपने इसको उठा लिया। और फिर उसके बाद आपने जो एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी कौन सा, ओल्ड सिलेबस, मैं बार बार इसी पे जोर देता हूँ कि ओल्ड सिलेबस की प्राचीन भारत की अभी भी नेट पे अवेलेबल है, आप नेट पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पे टाइप कीजिए ओल्ड सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10 to 11, तो आपको ये किताब मिल जाएगी। तो कितने सोर्सेज आप ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इंडस के बारे में इन 6 के 6 सोर्सेज से नोट तैयार करो। देखो इसका फायदा क्या होगा, अब आप में से कई लोग कमेंट ये करेंगे सर इतने सोर्सेज से कौन पढ़ता है। देखो अपनी जो एक्यूरेसी है उसको आपको बढ़ाना है, ये नहीं सोचना कि, क्योंकि देखो इंडस में जब आप एक लूसेंट से पढ़ चुके होंगे तो बाकी जब चीज़ें से पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, तो उसको आप तुरंत छोड़ते जाएंगे, जो नई चीज़ें मिलती आएंगी उससे आप क्या बनाते जाएंगे, अपने नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यही चीज़ जो है, मैंने भी जो ये आप सामने देख रहे होंगे जो मैंने वीडियो लेक्चर्स तैयार किए हैं और जो कोर्स तैयार किया है उसमें मैंने एडवांस लेवल की पीडीएफ फाइल अलग अलग सोर्सेज से डाले कि कहीं आप लोग को जो भी आप में से कोर्स परचेज करें उनको परेशानी ना हो। खैर अब इसका आप में से कई ये बोलेंगे कि सर ये सारी किताबों को अगर परचेज करने आए तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगी, तो देखो आप में से जो लोग मेट्रो शहर में रहते हैं, जैसे कि आप में से जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं, दिल्ली में हो, दिल्ली हो गया, या अपने यहाँ देहरादून में, हमारे देहरादून में रहते हैं या हल्द्वानी में रहते हैं, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर इन शहरों में आपकी जो लाइब्रेरीज़ हैं प्राइवेट लाइब्रेरीज़ वो खुल चुकी हैं। अब इन प्राइवेट लाइब्रेरीज़ में बहुत ही कम दामों में आपको पूरे महीने भर का एक्सेस देते हैं वहाँ पर पढ़ने की जगह, प्लस आपको लगभग लगभग इनमें से आधी से ज़्यादा किताबें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, एफर्ट्स देखो आपको करने पड़ेंगे। दूसरा, हमारे देहरादून में, मैं बार बार कई वीडियो में बात बोल चुका हूँ, परेड ग्राउंड में या तिब्बती मार्केट के ठीक बगल में आपका दून जो लाइब्रेरी है वो है, पब्लिक लाइब्रेरी है, लेकिन वहाँ पे आपको सारी कंपटीशन की किताबें जो हैं वो मिलेंगी। तो आपका ये एटीट्यूड अपने एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट के लिए बच्चों आपको रखना है, क्योंकि ये जो नए एक्सपर्ट्स हैं ये क्या पेपर बनाते हैं, क्या पैटर्न होता है, तो आप रिस्क मत लीजिए, क्योंकि ये जो 2023 आपको मिल रहा है इसमें इतनी वैकेंसीज आई हैं, लोअर अपर, फिर उसके बाद क्या कहते हैं FRO का भी लास्ट में फॉर्म आएगा, हो सकता है बीच में शो सकता है कि बीच में शायद ACF का भी नोटिफिकेशन आ जाए, मुझे इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वही रूमर्स आते रहते हैं और चैनल्स के लोग जो हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन आती रहती है, वो बताते रहते हैं, तो वो भी आपको एक अपने दिमाग में रखना है। तो आज से यानी कि 31 जनवरी से या 1 फरवरी से जब भी आप पढ़ाई अपनी शुरू करें, स्टडी शुरू करें, आपको दिमाग में रखना है कि ये जो भाई एक्सपर्ट्स हैं पेपर का क्या लेवल रखें हमें पता नहीं, लेकिन हमें अपने आप को इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार रहना है।